हाय माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद इन। आइए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाले दिनों के लिए। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट कार्ड इज माउंटेंस, स्टैंड योर ग्राउंड। इसमें आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपकी जो भी अड़चने आए, मुसीबतें आए, आप उनको फेस करिए। आप जो सोचते हैं जो सही है, आप उसी राह पर चलिए। किसी के कहने पे या सिचुएशन देखकर अपने स्टैंड को मत बदलिए। जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। फ्रेंड्स, आपके लिए चैलेंजेस क्या हैं? समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, द चैलेंजेस, हो सकता है आपको लगे कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। डिवाइन कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज या रे ऑफ लाइट आपके पास आ रही है, आप उसको अच्छी तरह एंजॉय करिए, उसको मैग्नीफाई करिए, उसकी जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ में उसकी क्वांटिटी को बढ़ाइए। ओके फ्रेंड्स, गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से आपके लिए? That is the heart guardian. Okay, friends, it means love and your let yourself be loved. Yes, friends, self love is the key here. जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तब हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ ला सकते हैं। जो डिवाइन हमें और छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। सो द की इज टू लव योर सेल्फ, द अबंडेंट लाइफ दैट हैज बीन गिवन टू यू, द इनवैल्यूएबल लाइफ दैट यू हैव गॉट, यू हैव टू लव इट। एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए फ्रेंड्स निकली है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मेटिकुलसली अच्छे तरीके से करिए। आपका ये जो चैलेंज आया है, इसको जो आपने फेस करना है, उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, आप उसमें अपना अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अच्छे तरीके से बनाइए, जहाँ जहाँ उसको लेके जाना है, अप्रूवल्स चाहिए वो करिए। इट हैज़ टू बी डन वेरी वेल। अपनी नॉलेज को आप अच्छी तरह यूज़ करिए, और हो सकता है कि आप जब अपनी ये नॉलेज को दूसरों से शेयर करेंगे तो आपके ये काम भी आसान होने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स दिस गाइडेंस वॉज हेल्पफुल। यही पर्पस है मेरे इस चैनल का, और यही पर्पस है टैरो का, कि अपनी डिवाइन फैमिली की लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ ला सके, छोटी छोटी डायरेक्शंस दे सके, ताकि उनकी मुसीबतें उनको थोड़ी थोड़ी सी कम लगे। तो फ्रेंड्स, डीएम मी फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ एंड हैव अ ब्लिसफुल डे। बाय बाय।